आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यवान कुमार झाझा से जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि 2018 के बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में 2018 के बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में 2018 के बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में कट ऑफ कितना रहा, जो कि 2018 के, इसी पे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम लोग। इस विषय पे बात करेंगे कि 2018 के बिहार पुलिस ड्राइवर में जो 1669 पद पे वैकेंसी निकली थी, जो 1669 के पद पे 1669 पद पर वैकेंसी निकला था, उसका कट ऑफ क्या रहा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, आपको बताते हैं हम 2018 के वैकेंसी जो CSBC ने दिया था ड्राइवर का, उसका कट ऑफ कितना रहा। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 2018 का जो वैकेंसी था 01 18 का जो वैकेंसी था, उसमें टोटल 1669 था। 1669 टोटल वैकेंसी कितना था, 1669 था, जिसमें DET कुल पास कितने हुए थे, DET पास हुआ था 2292। वो कितना पास हुआ था, 2292 DET पास हुआ था। इसमें 308 लड़का, इसमें 308 बच्चे DET के बाद अयोग्य पाए गए थे, DET के बाद अयोग्य पाए गए थे, मतलब अभ्यर्थित्व संवीक्षा में इनका गलत पाया गया था 308 बच्चे। तो कुल मिलाकर DET पास कितने हुए, DET कुल मिलाकर पास हुए 1984। कितने पास हुए, 1984 कुल DET पास कितने हुए, 1984 2018 के वैकेंसी में। और सीट कितना था, 1669। 1984 बच्चे पास हुए और सीट था कितना, 1669 सीट था। आप इसको घटाइएगा, चौकदम से 9 जाएगा तो 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और 9 में से 6 जाएगा 3, 0। 315 बच्चा ही मात्र इसके पहले वाला में छटा था, मात्र 315 बच्चा ही इससे पहले वाला में मेरिट से बाहर हुए थे। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे 2018 में कट ऑफ कितना रहा था, कट ऑफ कितना रहा था, चलिए देखते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ST का, किसका बात करेंगे, ST का। ST का कट ऑफ 0118, ठीक है। बात करेंगे अब हम लोग किस चीज के बारे में, ST के कट ऑफ के बारे में। ST का कट ऑफ 18 में 53 नंबर पे इनका मेरिट बना था ST का 2018 में। कितना में बना था, 53 में,
53 में मेरिट बन गया था 2018 में एसटी लोगों का, जो कि आपको पता होगा कि 2018 में 100 नंबर का ड्राइविंग डीईटी था, इसलिए 53 पे मेरिट बना। अगर आप ये कितना हो गया परसेंटेज में, 53%, मतलब जो भी बच्चा 53% नंबर लाए हैं और कैटेगरी उनका एसटी था, तो वो वे मेरिट में उनका नाम आ गया। अब हम लोग, आप समझ लीजिए, मोटा मोटी आप यह याद रखिए कि 2018 के बहाली में एसटी का कट ऑफ कितना था, 53%, 53% था। अब हम लोग बात करते हैं एसटी के कट ऑफ के बारे में, 2019 के कट ऑफ, 2019 के कट ऑफ का वीडियो मैं आगे लाऊंगा, आप 18 वाला कट ऑफ जान लीजिए, उसके बाद हम 2019 के कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। हाँ, लेकिन आपको बता देते हैं हम, अगर आप इस कट ऑफ पे चलिएगा तो 80 का 53% आपका होता है, 80 का 53% होता है 42.4 मार्क्स, इतना नंबर होता है 2019 के। अब 18 की अपेक्षा कट ऑफ देखा जाए तो एसटी का कितना होता है, 42.4 मार्क्स अगर आपका है और आप 2018 में रहते तो आपको आपका जॉब हो जाता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एससी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एससी के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग एससी के बारे में। एससी के 2018 का कट ऑफ 36 रहा, कितना रहा, 36, जो कि कितना था, 36% होगा। आपको बता दें 2018 में कितना कट ऑफ रहा, 36%। परसेंटेज में याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग यह भूल जाते हैं कि इससे पहले वाला 100 पर कट ऑफ बना था और इस बार मात्र 80 पे कट ऑफ बनेगी। अगर आप समझ सकते हैं, एससी का 2018 में मात्र 36% कट ऑफ था, अगर इसी के अनुसार हम अगर 80 का 36% निकालते हैं, 36% निकालते हैं तो आपको होता है 28.8 मार्क्स। अगर आपका, आप सोच सकते हैं, अट्ठाईस पॉइंट आठ गया था, इस 80 का इतना होता है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं रहेगी, इसलिए कट ऑफ में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कृपया कर शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें। आप लोग वीडियो सिर्फ पूरा देख लेते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं भी आपका साथी हूं और आपके जैसा ही मेरिट का वेट कर रहा हूं। बस आप लोगों की कुछ जानकारी के लिए मैं वीडियो ला देता हूं, जो कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद भी होता है। मैं आपकी बेसब्री को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरिट का पूरा इंतज़ार है और मैं भी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी परिस्थितियों को भली भांति मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों, ज़रूर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी का। किसका बात करेंगे, ईबीसी कैटेगरी का, ईबीसी का आप बात करेंगे, ईबीसी का। ईबीसी में 2018 का कट ऑफ रहा था 58 नंबर, कितना रहा था, 58 नंबर रहा था, जो कि 100 का 58% हुआ।
इसी के तर्ज पर हम अगर 80 का 58% निकालते हैं, का 58%, तो मेरा होता है 46.4 मार्क्स। कितना होता है? 46.4। अगर हम लोग कितना ईबीसी का कट ऑफ कितना गया था, 58 गया था, जो 100 पे गया था तो 58% हो गया। लेकिन हम 2019 की बात करते हैं, 80 नंबर का एग्जाम था और इसका 58% निकालते हैं तो होता है 46.4%, 46.4 मार्क्स होता है 2018 के कट ऑफ के अनुसार। दोस्तों, बहुत से लोग आपको डाइवर्ट कर रहे होंगे कि ईबीसी ओबीसी में बहुत भीड़ है, आप इस तरह करा लीजिए, काम करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। उनका काम है डाइवर्ट करना, आपके मन में नेगेटिव पॉइंट डालना, जिससे कि आप उनको फालतू में पैसा दीजिएगा और आप अपना पैसा का बर्बादी कीजिएगा। दोस्तों, आपको आप इस कट ऑफ को देखिए, उसके बाद अनुमान जरूर लगाइए आपको क्या करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका? बीसी का। किसका बात करेंगे? बीसी का। हम लोग बात करेंगे अब बीसी का, 2018 का कट ऑफ क्या रहा, बीसी के बारे में बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, मैं बीसी के कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत सा प्रश्न रहता है जो मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके सामने लाइव सेशन होस्ट करूँ। आप अगर एक उचित टाइम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच लाइव आ सकूं, लाइव आप लोग गो का साथ रहा तो मैं लाइव आने के बारे में सोच रहा हूँ। आप एक टाइम बताइए कमेंट करके, लाइव टाइम आप कमेंट करके हमें बताएं कि कितना बजे हमें लाइव आना चाहिए। उस टाइम में मैं कोशिश करूंगा, या तो लाइव आना चाहिए या ना आना चाहिए। आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके बीच तुरंत पहुंच जाए। लाइव जरूर करें, जिससे मेरा वीडियो आपके बीच सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे थे किसका? बीसी का। बीसी का बात कर रहे थे, बीसी का 2018 का कट ऑफ। बीसी का 2018 का कट ऑफ
68 नंबर था, कितना था 68 था, जो कि 100 का कितना प्रतिशत हो गया 68%। सोच सकते हैं मात्र 68% कट ऑफ गया बीसी का इससे पहले वाला में। अगर आप 80 का 68% निकालिएगा, 80 का 68% निकालिएगा तो आपका आता है 68% निकालिएगा तो आपका आता है, आ जाता है आपका 68% 54.4%। दोस्तों 2019 के कट ऑफ 54.4 मार्क्स, कितना आ जाता है आपका 54.4 मार्क्स। अगर आपका 54.4 मार्क्स है तो आप 2018 के कट ऑफ के बराबर हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप अगर आपका बीसी में 54.4 मार्क्स है तो आप क्या है, आप 2018 के कट ऑफ के बराबर। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स 54.4 है तो आप 2018 के कट ऑफ के बराबर हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 2000 किसका बात करेंगे, यूआर का, किसका बात करेंगे यूआर कैटेगरी का, किसका बात करेंगे यूआर कैटेगरी का, यूआर का 2018 का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम लोग, 2018 के यूआर के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे आप थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए सीट है। इस पे विशेष ध्यान इसलिए भी होना चाहिए कि इसमें किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति जा सकता है, सभी के लिए ओपन है। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि 2018 में यूआर का 74 नंबर कितना था, 74 नंबर जो लाया था उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, जो कि 74 नंबर क्या होता है, 100 का 74% होता है, ये यूआर का कट ऑफ रहा। 2000 यूआर का कट ऑफ रहा कितना 74 नंबर, जो कि परसेंटेज में कितना हो गया 74%। अब हम लोग बात करेंगे कि 74% हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 2019 में एग्जाम कितना पे हुआ, 80 पे। 80 का अगर आप 74% निकालिएगा, 80 का 74%, 80 का अगर आप 74% निकालिएगा तो होता है 59.2, कितना होता है 59.2। अगर आपका नंबर 59.2 है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, तो आप किस कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर है 2018 की तुलना में, यूआर में। आप किस में जा सकते हैं, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अपना कैटेगरी छोड़ के यूआर में जा सकते हैं 2018 के अनुसार। दोस्तों आप इस मैटर को, इस बात को अच्छी तरह से समझें कि आप मात्र 59.2 मार्क्स अगर आपका है, मार्क्स कितना 59.2 मार्क्स है 2019 में, तो 2018 के कट ऑफ के बराबर है आप। दोस्तों 2019 के कट ऑफ पे मेरा पूरा पॉइंट लगभग तैयार हो चुका है
वो उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो ला दूंगा और आप इस कट ऑफ को देख के बहुत कुछ हद तक निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, आपको एक बात मैं ये भी बता दूं कि आप लोग, मैं आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझे कि आप दलालों से सावधान रहे। किनसे? दलालों से सावधान रहे। उनका काम है आपको बोलेगा कि आपका आपका नहीं होगा, ई ओबीसी में बहुत भीड़ है, में बहुत भीड़ है। ये भी बोलेगा आपको ओबीसी में बहुत भीड़ है। क्या बोलेगा? ओबीसी में बहुत भीड़ है, ईबीसी में बहुत भीड़ है, काम करवा लो आपसे। मैं एक कंपटीशन के क्षेत्र में, खासकर बिहार के कंपटीशन के क्षेत्र में, मैं बहुत ऐसे केसों को देख चुका हूं कि कुछ नहीं होता है, मात्र आपसे ठगी कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपको ठगा जाएगा, ठगा जाएगा अच्छी तरह से। होगा अपने आपका अपना मेरिट से और पैसा ले लेगा दलाल। इसलिए आप दलाल से बचें। क्या बचें? दलाल से बचें। अगर आप इस 2018 के कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप परेशानी कोई भी दलाल से बचे हुए रहें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुख्य बिंदु जो मैं लगभग लगातार आपके बीच रख रहा हूं, आपके बीच लगातार सभी वीडियो में मैं इस विषय को रख रहा हूं, अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो इन सारा ही काफ़ी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2018 के वैकेंसी में पीटी के बाद डीटी में 88 दिन दिया गया था और 2019 के बहाली में पीटी के बाद डीटी के लिए मात्र 23 दिन दिया गया था, जो कि कट ऑफ को बहुत हद तक बहुत बहुत हद तक नीचे ले जाएगा। सिर्फ आप ये मत देखिए कि लगभग ये मत देखिए कि 3000 लड़का पास है। पास होने से कोई बात नहीं होता, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बहुत से लड़के 8-8 वाले भी होंगे। मैं आपको बता दूं, दलाल से बचना बहुत जरूरी है। आप जरूर बचे दलाल से। दलाल सिर्फ आपको क्या करेंगे? दलाल से बचिए, मैं तो यही कहूंगा, आगे आपकी इच्छा। और आपको ये बता दूं मैं कि आप सोच सकते हैं कि इससे पहले वाला में 2292 बच्चा पास हुआ था तो 308 को अयोग्य घोषित हुआ था और इस बार 3000 पास है। तो आप सोच सकते हैं 500 से कम अयोग्य घोषित नहीं होगा। इस विषय पर मैं आगे वाला कट ऑफ वाले वीडियो पर बात करूंगा। आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप अपना लाइव के विषय में राय जरूर दीजिएगा। लाइव के विषय में, लाइव कितना बजे आना है, अगर आप लोग बोलिएगा आना है तो आएंगे, अगर आप लोगों का मन ना हो तो मैं नहीं आऊँगा। आप लेकिन अगर मन हो तो आप कमेंट में टाइम अपने अनुसार जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उसी टाइम में लाइव आने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो भी वीडियो आपको
मैं लोड करूं आपके बीच तुरंत पहुंच जाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को रखेंगे यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।